जिंदाबाद 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 संविधान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। हमको नियमित करना होगा करना होगा करना होगा। हमको नियमित करना होगा वहाँ से दिखाइए ना करना होगा करना होगा। हमको नियमित करना होगा करना होगा करना होगा। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। अभी करो अर्जेंट करो हमको परमानेंट करो। विद्यमितान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यमितान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विद्यमितान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ विद्यमितान कल्याण संघ के तत्वाधान में 20 तारीख विद्यमितान संघ का धरना प्रदर्शन और 21 तारीख को शव यात्रा था। उस भीड़ को देखते हुए 1,000-1,500 की भीड़ जो रायपुर के इस घोर कोरोना काल में इस भीड़ को देखते हुए माननीय विधायक श्री विकास उपाध्याय जी हमारे हड़ताल में आए और आकर के हड़ताल तुड़वाए और उन्होंने कहा जन घोषणा पत्र के अनुसार जिस प्रकार से आपका नियमित होने का वादा लिखा है वो नियमित होने का वादा आपका पूरा होगा। और उन्होंने कहा कि जो आपकी जो दयनीय स्थिति आप लोग बता रहे हो वो दयनीय स्थिति को तुरंत हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए वो दूसरे दिन 21 तारीख को श्री शुक्ला जी मुख्य सचिव से मिलाने वाले हैं एवं 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री से मिला करके हमारे नियमितीकरण के जो वादे हैं उनको पूरा कराने वाले हैं। इसलिए आज ये इस जो हड़ताल है 21 तारीख शव यात्रा उसको कैंसिल किया जाता है और आगे पूरे छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है यदि इस हड़ताल के दौरान हमारी मांग पूरी हो जाती है अभी तो हम हड़ताल नहीं करेंगे और यदि हमारे मांगों पर मात्र आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है तो लॉकडाउन के पुनः पश्चात तुरंत हम लोग फिर रायपुर में बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम रोटी रोटी के लिए दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। सरकार से निवेदन है करबद्ध प्रार्थना है हमारी मांग को जितनी जल्दी हो सके स्वीकार करें और हमको हमारी मांग को पूरा करें। मैं धर्मेंद्र दास वैष्णव छत्तीसगढ़ विद्यामितान कल्याण संघ संघ प्रमुख। सिन्हा जी जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी कहा कांग्रेस पार्टी अपनी घोषणा पत्र पर लिखी है और घोषणा पत्र का अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है उसको हम लोग करते हैं क्योंकि 7-8 महीने में पूरे देश की और विश्व की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। लोगों को जान जान से बढ़कर लोगों से कुछ भी नहीं है और उसके लिए ये लेट नथिंग काम हुआ। हर चीज़ जो घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने लिखा है